सो so, बच्चों लास्ट क्लास में आ, मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन पूरा कंप्लीट करा दिया था सो so, आज के क्लास में हम लोग प्रोटीन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना चाह रहे हैं है ना और आ, प्रोटीन के बारे में जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब देखेंगे साथ के साथ देखेंगे कि भाई ज्विटर आयन क्या होता है है ना और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है एंड प्रोटीन के टेस्ट क्या क्या है तो इतनी सारी चीजें हैं तो देखो जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में क्लासेस में बताया था कि जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो बेटा कार्बोहाइड्रेट और उसकी आप हाइड्रोलिस कराते हो एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिस एंड प्रोडक्ट होता है वो होते हैं है ना अब इसी मोनोसेक्राइड्स में हमने देखा था कि जो नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो सारे डी कन्फिग्रेशन में हैं तो मोनोसेक्राइड्स जो हमें मिलता है वो कैपिटल डी वाला मिलता है सारा अब उसी में हमने देखा था कि थ्री मेंबर्ड, फोर मेंबर्ड फाइव मेंबर्ड मतलब पेरेंट चेन कंटेनिंग सारे हमने मॉलिक्यूल्स देखे थे uh, सबसे छोटा अगर देखा जाए तो ग्लिसरल डिहाइड से हमने स्टार्ट किया था ठीक उसी तरीके से बच्चों जैसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है मोनोसेक्राइड्स ठीक उसी तरीके से बच्चों अगर आप प्रोटीन की हाइड्रोलिस करोगे इनकी हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिड कैटलाइज्ड या बेस कैटलाइज्ड तो यहां से जो ऑप्टेन होने वाले होते हैं प्रोडक्ट्स वो आते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स और जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं वो सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं बेटा अल्फा अमीनो में आ, एल अमीनो में राइट एल सो अब ये अल्फा अमीनो का क्या मतलब है? क्या इस अल्फा का लेना देना किसी अ जो अल्फा बीटा यानी एनोमर्स थे क्या उससे लेना देना है बिल्कुल नहीं आप सिंपल समझो कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं अल्फा उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं बीटा उसके बगल वाले को क्या बोलते हैं गामा तो अल्फा पे अगर यहाँ पे अमीनो यानीस्टू ग्रुप डाल दू तो इसी को बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पढ़ा था कि अगर एनएच टू बीटा पे रहे तो बड़े आराम से वो निकल जाता है अल्फा वाला एन टू स्टेबल होता है वहीं का वहीं रहता है है ना वो वो निकलने वाला नहीं है चलो ठीक है तो ये समझ आया कि प्रोटीन की हाइड्रोलोसिस से हमें क्या मिलता है अल्फा मीनो दुनिया भर में बच्चों चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप ले लो कोई भी चीज और उनके अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं अलग अलग आप सुनते हो रेटीन प्रोटीन होता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है राइट बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं खास करके बायो एंजाइम्स तो जितने भी तरह के प्रोटीन है अगर कोई भी सोर्स का तुम हाइड्रोलिसिस करा लो तो हाइड्रोलिसिस कराने के बाद वो इन्हीं जो हम आपके सामने लिस्ट मैंने बनाई हुई है इन्हीं में से आ, कोई ना कोई अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन ही रहता है अच्छा अगला क्वेश्चन ये आता है क्या सर आम, सारे प्रोटीन में सभी के सभी अमीनो एसिड है जो आपने लिख रखे हैं तो आंसर है नहीं बेटा जरूरी नहीं राइट कि सारे के सारे अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन में मतलब किसी भी प्रोटीन के सोर्स में आपको मिल जाए अगर वो मिल जाता है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, है राइट और अगर वो नहीं मिलता है तो बोलते हैं कि ठीक है मैक्सिमम अमीनो एसिड मिल रहा है जो कुछ नहीं मिल रहा है वो हम किसी और सोर्सेस से कंज्यूम करेंगे ओके okay, सो so, कितने अमीनो एसिड हैं टोटल आपको काउंट करके देखो यहाँ पे काउंटिंग uh, करो फोर यहाँ हो गए फाइव एंड नाइन एंड टू कितने आए टोटल फोर फाइव नाइन टू कितने हो गए Hmm? 20 ओ यस सो यही जितने भी प्रोटीन के सोर्सेज हैं उन सबको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यही 20 आपको अमीनो एसिड मिलने वाले हैं अब अब इस क्योंकि आप देखो अगर इस अमीनो एसिड को तो इसको जनरली ऐसे हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं फिशर फॉर्म जैसा मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट मोस्टली डी में है जबकि अमीनो एसिड मोस्टली एल में है तो ये रहा हमारा जनरल स्ट्रक्चर और यहाँ पे मैं आर डाल दे रहा हूँ मतलब अलग, -अलग।, अलग अलग है और एक तो स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है जहां पे एन फ्री नहीं है बल्कि वो साइक्लिक फॉर्म में है और नाम उसका क्या है प्रोलिन मैंने आपके सामने ही रख रखा है तो मैंने कैसे क्लासिफाई आपके सामने करके दिखाया है कि अब मैं ना ये कार्बन की चेन लेंथ को देखूंगा अगर मान लो इसमें एक सिंगल कार्बन है पेरेंट चेन में तो उस हिसाब से हम देखेंगे फिर ऐसे कितने आगे बढ़ते जाएंगे उसके हिसाब से जैसे आपके सामने टेबल देखो ये जो बनाई है उन्हें सबसे पहला वाला नाम कौन सा है सबसे पहला वाला नाम कौन सा है बेटा जिसमें मैंने ले रखा है नेम इज ग्लाइसिन ये देखो इधर नेम है इधर इनका एब्रिविएशन है थ्री लेटर वाला और सिंगल लेटर वाला ये कई बार ना एग्जाम में ऐसे करके लिखा रहता है ग्लाई एला। ऐसे करके लिखा रहेगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये थ्री लेटर सिंबल और वन, ये सिंबल्स से वो कौन से अमीनो एसिड को बोलता है तो चलो तो देखते हैं तो जो सबसे पहला वाला फॉर्म है बेटा जो सबसे इजीएस्ट है जहां पे आर के जगह पे क्या है हाइड्रोजन इसको क्या बोलते हैं ग्लाइसिन ग्लाइसिन तो ग्लाइसिन को अगर मैं दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा एनएच टू यहाँ पे आ, कार्बन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन और इधर सी ओ एच अब इसको अगर मैं नॉर्मल तरीके से लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा भाई एन एच टू एंड सी एच टू एंड सी ओ एच अब आप ध्यान से देखो आपको इसी चीज के अंदर क्या है आ, बेसिक ग्रुप है और इसी के अंदर क्या है आपके सामने एसिडिक ग्रुप है और मैंने बताया है कि यार एसिड बेस इकट्ठे रख दो तो वो रिएक्शन कर जाते हैं नॉर्मल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और उसके साथ अगर अमोनिया डाल दो तो बेटा ये तो सॉल्ट बन जाता है और फिर अगर इसको स्ट्रांगली हीट कर दो तो मैंने बताया था ये अमाइड बन जाता है आरसीओएन2 यही था बेसिक चीज तो आप यहां पे भी ध्यान से देखो जो आपके सामने मैंने एग्जांपल्स यहां कर रखे हैं सॉरी जो आपके सामने यहाँ एग्जाम्पल्स कर रखे हैं मैंने आप इसमें ध्यान से देखो तो ये जो NH2 वाला पार्ट है ना NH2 और उसके बाद जो यहाँ पे आपका COH का पार्ट है और यहाँ R था तो प्रोटॉन यहां से उठ करके यहाँ चला गया है ऑटोमेटिक तो ये आप देखो एक कंपाउंड बन रहा है जिसमें ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है दिस इज न्यूट्रल हाँ सर आयुष को एडमिट करना कर लेता हूं मैं ना इट इज ओवरऑल न्यूट्रल राइट जस्ट चेक दैट आउट इट ओवरऑल न्यूट्रल इट देखो ना एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है तो ऐसा कोई फॉर्म जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड दोनों प्रेजेंट हो और ओवरऑल वो न्यूट्रल कंपाउंड हो लेकिन वो आप ये कह लो कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल से मिलके बनाओ तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ज्विटर जेड डब्लू आई डबल टी -E ई आर ज्विटर आयन ऐसे ट्विटर है ना वैसे ये जेड डब्ल्यू आई डबल टी ई आर वो ट्विटर से याद रखो इसको ज्विटर आयन तो ज्विटर आयन इज बेसिकली ज्विटर आयन इज बेसिकली अ डाइपोलर स्पीशीज़ बट द ओवरऑल इट इज न्यूट्रल तो ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो देखो मैंने जितने अमीनो दिखाए हैं उसमें आप इधर वाला एंड देखो ये सीओ माइनस है और ये एनएस हो गई जुटेर एंड के फॉर्म में बट अगर हम जब नॉर्मली रिप्रेजेंट करते तो हम एस, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं आगे चल करके ये भी बताऊंगा कि कौन से पीएच पे ये फॉर्म मिलेगा कौन से पीएच पे ये फॉर्म मिलेगा और एक और फॉर्म भी हो सकता है कि यहाँ एच लग जाए और यहाँ एनएससी प्लस ये कौन से पीएच पे मिलेगा ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में अंडरस्टूड सो पहले वो अमीनो एसिड देख ले रहे हैं कि आर जब हाइड्रोजन हो सिंपल ये एच तो इसको क्या बोलेंगे ग्लाइसिन अच्छा ये ध्यान से देखो ये ये एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड है जो कायरल नहीं है इस सेंटर पे क्योंकि देखो इधर भी एच और ये जो सी एच था वो भी एच है ना ये कायरल नहीं है अच्छा उसके बाद देखो इसमें दूसरा जो फॉर्म है जिसमें मैं बोल रहा था कि आपका सीओ एच आया और अल्फा पे ही एन एच टू आया आप देखो वन टू थ्री फोर एंड फाइव फाइव मेंबर एक रिंग बना लिया है ये भी थोड़ा स्ट्रक्चर अलग से है इसको छोड़ करके बाकी सारे स्ट्रक्चर नॉर्मल है तो ये प्रोलीन है सिंपल फॉर्म में इसको प्रो बोलते हैं कैपिटल पी और है ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अब मैंने जो क्लासिफिकेशन कर रखे हैं वो कौन से वाले हैं कि एक कार्बन और एक कार्बन आपके सामने मतलब कि अगर मैं ऐसे देखने की कोशिश करूं सो दिस इज सी ओ एच दिस इज एन एच टू एंड दिस इज एच एंड यहाँ पे एक सिंगल कार्बन का पेरेंट चेन तो इस, इसको ऐसे समझ लो ये वाला जो फॉर्म है ये ये ऊपर वाला है ये जो ऐसे बनाया है। अब इसके लेफ्ट में देखो जिसको येलो कलर से हाईलाइट किया गया ना फोकस उस पे करो। तो येलो कलर से हाईलाइटेड पार्ट को अगर आप देखोगे तो सिर्फ सी एच थ्री है तो जब सिर्फ सी एच थ्री होता है तो इसका नाम क्या होता है बेटा एलानीन अच्छा ठीक उसी तरीके से ये सीएच टू के बाद अगर फिनाइल लग जाए साथ में पेरेंट चेन तो एक ही यही है बेसिकली अगर देखा जाए पेरेंट चेन नहीं बोल रहा हूं मैं मतलब चेन की लेंथ की बात करो कि ये सी एच टू है और पीछे देखो फिनाइल है सो so, इसको क्या बोलते हैं तो सिंपल यार ये अगर था तो एलानिन और इसी पे अगर बेंजीन का ब्रांचिंग कर दो तो वो फिनाइल दोन होता है लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि आप देखो थ्री लेटर कोड में कैसे लिखा है पी एच ई ये भी ओके okay है लेकिन देखो सिंगल लेटर कोड में क्या लिखा है एफ ये थोड़ा पेनफुल हो जाता है ना क्योंकि एफ से आप दिमाग में आएगा ही नहीं कि वो क्या था

लेकिन टायरोसिन आ गया तो नाम से नहीं पहचान पाओगे क्योंकि ये एक एरोमेटिक रिंग है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना तो ये चीज आपको दिमाग में एकदम याद कर लेनी है कितने ऐसे हैं जिनके पास एरोमेटिक है एकदम नाम के साथ याद होना तो चाहिए अच्छा फिर उसके बाद देखो आप इसी सी एच टू पे इसी सी एच टू पे यहाँ पे जो था इसी पे अगर आप डायरेक्ट ओवे अटैच कर दो तो उसका नाम हो जाता है सेन एसईर आई यानी सेरीन अगर इसी सी एच टू पे एस एच अटैच कर दो, तो उसका नाम क्या होता है C -Y -S -T -E -I -N -E, मतलब सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड। ओके बच्चों, उसके बाद क्या है अगर इसी सी एच टू पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड एक और अटैच कर दो मतलब COOH, ओ एच अब देखो ये माइनस कर रखा है तो इन्होंने ने नेचुरली pH किसी स्पेसिफिक पीएच पे ले रखा है तो ये भी माइनस हो गया तो इसको क्या बोलते हैं अगर ये नॉर्मली यहाँ पे एच रहता तो इसको बोलते हैं स्पार्टिक एसिड बट अगर आप नेगेटिव डाल दिए तो क्या हो गया स्पार्टेट बट हम लोग स्पार्टिक स्पार्टिकसिड से नाम से जानेंगे अच्छा यहां से भी क्लियर हो जाएगा एग्जाम में पूछता है कौन सा ऐसा है जिसमें कौन सा ऐसा एमिनो एसिड है जिसमें एक से ज्यादा सीओ एच प्रेजेंट है तो देखो एक सीओ एच और एक और तो स्पार्टिक एसिड है वैसे देखो स्पर्जीन भी है स्पर्जीन क्या है कि आपका इधर ये है और इस साइड कार्बोक्सिलिक एसिड के बजाय क्या रख रक रखा है अमाइड तो ऐसे इसके नाम है और और सबसे बेहतरीन जो आप बोल लो मतलब टफ नाम में से अगर आप बोल दो तो हिस्टेडीन टाइप में इसका स्ट्रक्चर देखो फिर से इस पार्ट को आप देखो तो ये पार्ट इमीडाजोल बोलते हैं इसको अगर ये फ्री फॉर्म में रहे तो दिस इज इमिडाजोल इमिडाजोल एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है आप देखो इसको वी हैव हाँ टू इलेक्ट्रॉन

ये मॉलिक्यूल है और इसका नाम क्या होता है इंडोल अगर नॉर्मली ये आ, मैं अगर एरोमेटिक मॉलिक्यूल को लेके आऊं तो इसका नाम क्या बोलते हैं इंडोल सो इंडोल एरोमेटिक पार्ट है इसके अंदर ठीक है बच्चों चलो जी. तो ये हो गया अगर एक कार्बन रहे तो अब देखो यहाँ डबल कार्बन है डबल कार्बन है तो नाम क्या है थ्रियोनिन ओ एच के साथ फिर डबल कार्बन एस सी एस थ्री अटैच हो गया तो मिथ्योनिन थ्रियोनिन मिथ्योन ओके फिर अगर ये ओ एच आ गया यहाँ पे तो ग्लूटामिक एसिड आप ये तो याद ही रहेगा आप ध्यान से देखो ग्लूटाम इसको एक सेकेंड के लिए भूल जाओ याद करो आ, मैंने आपको बताया था ग्लुटामिक एसिड याद है ओ आई सन गो एंड प्ले स्लोली वाले ओम्स कैप से तो यहां से सक्सिनिक था ये ग्लूटारिक याद है ना ग्लूटारिक तो यहाँ पे आप देखो एन आ गया है तो इसलिए एमिक यूज करते हैं तो वन टू थ्री सी एच टू तो वन टू थ्री सी एच टू देखो बीच में सो ये वहां से याद रहेगा ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड ठीक उसी तरीके से ग्लूटामाइन ग्लूटामिक एसिड है फिर ग्लूटामाइन जब आप अमाइड कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का है अमाइड का है उसके बाद नॉर्मल सी एच थ्री का ब्रांच है जिसको वैलिन बोलते हैं उसके बाद और एक कार्बन इंक्रीज कर दो वन टू थ्री कार्बन एक ब्रांचिंग डाल दो बीच में ल्यूसिन उस ब्रांच को और किनारे लेके आ जाओ आइसोल्यूसिन वाला बेस अगर मैं इसी थ्री कार्बन से अटैच कर दू तो आर्जिनिन ठीक है अब इसके बाद एकदम आखिरी वाला है लाइसिन जिसमें सबसे लंबी चेन है वन टू थ्री फोर ये रही आपके पास चेन तो ये रहे बच्चों ऑल ट्वेंटी अमीनो एसिड्स और इनको आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है स्ट्रक्चर्स के साथ अब आ जाओ इनके क्लासिफिकेशन की थोड़ी बात कर लेते हैं right? राइट कि इन सारे अमीनो एसिड को क्लासिफाई एक तो मैंने बताया कि भाई उनके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आप उनके बहुत सारे कैटेगरीज बना सकते हो कि कंटेनिंग एरोमेटिक रिंग्स ंग फिनॉलिक ग्रुप कंटेनिंग नॉर्मल एल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग मरकेप्टो और थ्रुप लाइक दिस राइट कंटेनिंग एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड एक्स्ट्रा अमाइड ऐसे करके आप बहुत सारी कैटेगरी लेकिन एक बड़ा फेमस कैटेगरी है जिसमें बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड एंड बेसिक अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड बेसिक। अब देखो अमीनो एसिड की जब बात करोगे तो आपके पास और टू है और, और ग्रुप है। तो अगर इसमें देखो तो तो इसके अंदर एसिडिक भी भी ग्रुप पड़ा पड़ा हुआ है, NH2 भी पड़ा हुआ है तो बेसिकली करके ये NH3 प्लस बन जाता है बेसिकली जिसको अभी हम लोगों ने सीखा था कि तो बेसिक है। इसको हम न्यूट्रल वाले कैटेगरी में रख सकते हैं बट अगर मान लो इस आर ग्रुप के अंदर जो आर मैंने अभी बताया इसके अंदर एक्स्ट्रा जाए टू आ जा, बेटा टू तो इसको हम क्या बोलेंगे बेसिक बेसिक अच्छा क्या आए तभी आंसर है ऐसा जरूरी नहीं है अगर कोई भी चीज आ जाता है जो बेसिक है मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग ही हो बेसिक हो जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था वो रिंग जिसके अंदर डबल नाइट्रोजन प्रेजेंट था तो उनमें एक नाइट्रोजन तो आपका ये मान लो कि लोन पेयर अपना डिलोकलाइज़ नहीं कराएगा, दूसरा वाला कराता है, ना? दूसरा वाला लोन पेयर अपना डिलोकलाइज़ कराएगा और जो लोन पेयर कराएगा वो प्रोटॉन को तो नहीं दे सकता है लेकिन ये तो प्रोटॉन को मिल सकता है ना तो इवन दिस विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज बेसिक उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ग्वानिटीन बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है और बहुत ज्यादा बेसिक होता है तो जो हमने आर्जिनिन करके एक बेस देखा था था वहां पे ये प्रेजेंट तो जरूरी नहीं है कि प्योर के ही फॉर्म में हो बेसिकली उसका सेंस ये है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस रहना चाहिए तो अब आपके दिमाग में आएगा उस हिसाब से क्या सर अमाइड को ले सकते हैं तो आंसर है बिल्कुल नहीं क्योंकि अमाइड के, के केस में ये एनएच का लोन पेयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ स्टेबिलाईज है और इसी रीजन से मैंने बताया था कि इनको आप वर्स्ट बेस बोलो अमाइड को साइनाइड को और जिसका लोन पेयर एरोमेटिक कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो जाए ये तीन बहुत खराब बेस होते हैं तो ये कभी आ जाए तो इनको बेसिक ग्रुप मत बोलना है ना उसके अलावा बाकियों को बोल सकते हो एसिड वाली चीजें तो सॉर्टेड है कार्बोक्सिलिक एसिड एक्स्ट्रा मिला तो एसिडिक नहीं तो बेसिक अब मैं आपके सामने लेके आता हूं आप क्लासिफाई करो बताओ बताओ भाई ये वाला कौन सी कैटेगरी में आएगा जल्दी बताओ बोलो देविक बोलो देविक आर यू देर ये कौन सी कैटेगरी में आएगा एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल 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 आएगा How about this one? This one. Tell me. और कोई बताए भाई ये कौन सी कैटेगरी में आएगा तो देखो ना यार अभी this this ray, तो सिखाया है मैंने बोला है इक्वल नंबर ऑफ दिस एंड दिस रहे तो न्यूट्रल होता है आप देखो सीओ माइनस इधर भी है सीओ माइनस इसको आप प्रोटोनेट करके सोचो ना तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक्स्ट्रा है इसके पास तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा एसिडिक आ रहा है समझ में कोई डाउट बोलो भाई एवरीथिंग ओके okay? चलो yes, ठीक yes, yes, है तो ये हमारा एसिडिक हो गया अच्छा इसको मैं अगर कैटेगराइज़ करता तो ये कौन सी कैटेगरी में आता बेसिक so नहीं बोलेंगे यही समझा रहा था न्यूट्रल। कि हाँ बिल्कुल सीओ माइनस एन एस थ्री प्लस है यहाँ पे और इस साइड में देखो अमाइड है अमाइड ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक तो ये किसी यूज का नहीं है इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम न्यूट्रल ओके okay. ये वाला कंसीडर करो ये कौन सा नाम है स्टडी इन वाला ये बताओ ये और ये तो न्यूट्रल हो गए बेसिक बेसिक होगा कौन सा प्रोटॉन लेगा मैं लोन पेयर यहाँ बना रहा हूं यहाँ इसको नंबर वन इसको टू दे रहा हूँ कौन सा प्रोटोनेट होगा वन या टू टू हाँ नाइस बिकॉज दिस वन इज द पार्ट ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर सो so, ये टू वाला अपनी जगह फिक्स है तो यही है तो दिस इज बेसिक गाइस ओके ध्यान रखना है ना ओके चलो आगे बढ़ते हैं सर सर आई यू शुड एडमिट कर चलो मैं कर लेता हूँ और उसके बाद ये देखो आप ट्रिप्टोफेन को देख के बताओ ट्रिप्टोफेन ये जो ट्रिप्टोफेन है ये ये वाला पार्ट ये बताओ एसिडिक बेसिक न्यूट्रल पे कौन सी कैटेगरी में न्यूट्रल यस न्यूट्रल क्योंकि ये इस बार बेसिक नहीं है बेटा ना ये लोन पेयर अब डिलोकलाइज है पूरा एरोमेटिक का पार्ट बन करके ओके अच्छा इसको कहाँ रखोगे ये वाले को एसिडिक नहीं यही गलती नहीं करना है कार्बोक्सिलिक एसिड देखो क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है नो no, नहीं है ना ये तो नॉर्मल एल्कोहल और नॉर्मल एल्कोहल कभी भी हो जाए तो वो बेटा एसिडिक नहीं होता है यार मैंने तुमको बताया तो है कि वाटर से भी खराब एसिड होता है आर एच नॉर्मल एल्कोहल और वाटर से बेटर होता है फिनॉल और फिनोल से काफी अच्छा होता है कौन कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिडिक सिर्फ उसी को बोलेंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कुछ दिख रहा हो अरे बात समझ में ये सब मिस्टेक तुम लोग कर दोगे यार तो गड़बड़ हो जाएगा इज दैट क्लियर तो चलो आई होप कि अब आपको आइडिया लग गया है तो आप इसके हिसाब से कर लोगे ना अच्छा देखो कुछ कुछ यहाँ पे हेडिंग्स हैं बेसिक अमीनो एसिड तो ये सब मैंने एक्चुअली जब कट किया था मॉलिक्यूल को तो उसके हिसाब से ये बन गया एक्स्ट्रा तो आप ध्यान रखो कि सिर्फ यही नहीं है बहुत सारे और हैं राइट तो मैं इसको मिटाई दे रहा हूँ ऐसे कन्फ्यूजन हो ही ना आपको हाँ जी बच्चों ऐसे हेडिंग करके आते हैं एग्जाम में मैंने एक्चुअली कार्बन चेन के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया है तो हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स आप समझते हो कि एलिफैटिक साइड चेन अमीनो एसिड ठीक है सो आई हैव क्लासिफाइड है माय ओन कंफर्ट तो उस हिसाब से आप याद करोगे अच्छा हाँ एक और चीज है बच्चों की जिन भी जगहों पे ये स्टार लगा हुआ है ना ये ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस भी जगह पे ये स्टार लगा हुआ है वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड है अब इसका मतलब समझा जाता हूं अमीनो एसिड को डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन कि जैसे मान लो आ, हमारी ह्यूमन बॉडी है राइट right? हम अपने हिसाब से इसको क्लासिफाई किए करेक्ट तो सपोज करो कि आपने कुछ अमीनो एसिड कंज्यूम किए और आपके बालों के लिए कोई एक प्रोटीन सिंथेसाइज़ बॉडी को करना है जो कि उसके स्ट्रेंथ के लिए और बाकी चीजों के लिए जरूरी हो तो जब भी आप डिफरेंट अमीनो एसिड कंज्यूम करते हो तो जरूरी नहीं कि सारे ट्वेंटी अमीनो एसिड आप ले लो हमारी बॉडी कई सारे अमीनो एसिड को खुद सिंथेसाइज कर सकती है इतनी कैपेबल है कि कुछ अमीनो एसिड को खुद सिंथेसाइज कर सकती है तो जिनको खुद बना सकती है हमारी बॉडी उनको हम नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं समझ में आया तो एमिनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन आर एसेंशियल और जिनको हमें बाहर से लेना ही पड़ता है जिनको हमारी बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर सकती है उनको हम बोलते हैं एसेंशियल जैसे आप देखो ये वाला पार्ट देखो इसको अपनी बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर सकती है फिनाइल को तो इसको हमें लेना पड़ता है देखो यहां पे स्टार लगाया हुआ है जहां पे भी स्टार लगा हुआ है वो देख लेना और ये स्टार की काउंटिंग करो एक बारी एक ये हो गया दूसरा हमारी बॉडी हिस्टेडीन नहीं बना सकती है ना तीसरा ट्रिप्टोफेन नहीं बना सकती है हमारी बॉडी राइट फिर थ्रियोनिन मिथ्योन नहीं बना सकती है है ना वैलिन नहीं बना सकती है ल्यूसिन नहीं बना सकती आइसोल्यूसिन नहीं बना सकती आर्जिनिन नहीं बना सकती है लाइसिन नहीं बना सकती है, है, है। काउंट करो तो कितने हुए कितने हुए तो देखो आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन अच्छा अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज है आप किताबों में पढ़ोगे ना तो आपको मिलेगा कि नाइन एसेंशियल किलिनो एसिड जैसे एनसीआरटी पढ़ोगे तो उसमें नाइन एसेंशियल अमीनो एसिड तो ये बात एक रेफरेंस में सही है कब जैसे देखो ये एक पॉइंट मैंने इसीलिए लास्ट में लिख चुका है ऑल दो ह्यूमन कैन सिंथेसाइज आर्जिनिन मतलब ये जो लास्ट वाला था ये बेसिक वाला इसको ह्यूमन बॉडी सिंथिसाइज कर सकता है बट इट इज नीडेड फॉर ग्रोथ इन ग्रेटर अमाउंट देन कैन बी सिंथेसाइज इन आर बॉडी तो इस वजह से हमें इस बाहर से सोर्स लेना पड़ता है तो अगर मैं सिर्फ बॉडी की बात करूं बॉडी के सिंथेसिज के हिसाब से तब आर्जिन को हमें गायब कर देना चाहिए तो इसलिए अगर आप पढ़ोगे और कहीं पर आपको नाइन एसेंशियल इम्यूनो एसिड लिख गया तो आप उसको गलत नहीं करोगे है न हालाकि जैसे मैंने बोला कि थोड़ा बहुत पार्ट हमारी बॉडी सिंथिसाइज कर लेती राइट सो आर्जनिन इज कंसिडर्डेंशियल इम्यूनिटी बट नॉट फॉर एडल्ट तो एडल्ट्स के लिए ये एसेंशियल नहीं है क्योंकि भाई ग्रोथ के लिए जरूरत एडल्ट्स एडल्ट्स तो ग्रो कर चुके होते हैं उनको तो फिर ग्रोथ चाहिए नहीं होती छोटे बच्चों को ग्रोथ चाहिए होती है तो उनके लिए ये जितना रिक्वायर्ड होता है उसे कम हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है तो इसको बाहर से देना ही पड़ता है आर्जनिंग ओके सो ये चीज थोड़ा ध्यान रखोगे आप और उसके हिसाब से करोगे ऑल राइट right, तो ये तो रहा बच्चों क्लासिफिकेशन अब अगला पार्ट आता है इसका और यही सबसे इंपॉर्टेंट है इसको सीख गया तो बस खत्म हो गया अब इसके बाद कुछ है नहीं इसके अंदर है ना आ, इसको देख लो अच्छे से आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है करेक्ट इस चीज को थोड़ा समझ लो अच्छा आइसो इलेक्ट्रिक बताने से पहले मैं चाहूंगा कि ना आप एक ये टेबल देखो थोड़ा है ना ये टेबल में क्या दिया हुआ है तो जैसे लेटेस्ट uh, कंसीडर जिसको मैंने ग्रीन कर रखा है कौन सा आर्जिनिन तो आर्जिनिन के स्ट्रक्चर में अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या था ऊपर सीओ एच इधर एन एच टू इधर सॉरी राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड में एल एमिनो एसिड मिलते हैं मोस्टली और यहां पे कार्बन की चेन थी और चेन के बाद फाइनली ऐसा था कि एन एच सी डबल बॉन्ड NH, और एन एच टू यही था अर्जनी। ना मैं दिखा देता हूं आपको आर्जिनिन ये देख लो ये देखो यही था आर्जिनिन करेक्ट यहाँ पे थ्री कार्बन की चेन है फिर एनएच है और फिर ये आर्जिनिन का फॉर्म चलो आते हैं तो अब आर्जिनिन है तो मैं इसको ना सबसे पहले जितना प्रोटॉन ले सकता है सब दे दे रहा हूं तो ये एनएच टू प्रोटोन ले सकता है चलो दे दिया। फिर ये ऐसा फॉर्म जो मोस्ट एसिडिक मीडियम में मिलेगा यानी अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछे कि बताओ अगर पीएच एच में बहुत नीचे कर दूं तो कौन सा फॉर्म मिलने वाला है आर्जिनिन का तो आप बोलोगे कि ये फॉर्म मिलेगा एन एच टू प्लस ध्यान रखना इसको प्रोटोनेट मत करा देना राइट right? क्योंकि ये लोन पेयर फिक्स नहीं है डिलोकलाइज है ये भी डिलोकलाइज है ये फिक्स था तो इसको करा दिया तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्जिनिन एमिनो एसिड इन एसिडिक मीडियम क्योंकि जितने भी प्रोटॉन वाले सेंटर्स थे सब निकल गए अब बताओ बेटा अब इसी में अगर मैं बोलूं कि मैं धीरे 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 पीएच बढ़ा रहा हूं तो बताओ सबसे पहले कौन सा प्रोटॉन इसमें से निकल के आएगा बाहर इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा प्रोटॉन निकल के बाहर आएगा ऑफकोर्स जो एसिड होगा वही निकल के आएगा तो सबसे पहले निकल के आता है कौन सा सीओ ओ एच का तो ये सीओ माइनस बन जाता है और ये एनएच थ्री प्लस बन जाता है अच्छा अभी ध्यान से देखो ये ऐसे ऐसे करके एनएच है सी डबल बॉन्ड एन टू पॉजिटिव है अभी ये बचा हुआ है सबसे आखिरी में कौन निकलेगा भाई फिर सेकंड 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 कहां से निकालू यहां इसमें और इसमें कंपटीशन है तो भाई देखो जो जितना ज्यादा बेसिक होगा वो उतना ही लास्ट में प्रोटॉन को छोड़ने वाला है जो कम बेसिक है वो निकाल देगा तो आपको मालूम है कि ग्वानाडीन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेस तो इसलिए यहां से निकल जाएगा फिर वो तो क्या बन जाएगा अगले वाले टाइम में ये एन एच टू मतलब आप इसको बोलोगे कि के ए वन वाले टाइम पे ये निकला यानी पीके ए वाले के केस में और पीके टू के केस में ये निकला अभी भी आपका ये जो ग्वानाडीन वाला पार्ट है वो अभी भी ऐसे ही है और थर्ड स्टेप में जा करके थर्ड स्टेप में जाके ये ग्वानाडीन का भी पार्ट निकल जाएगा यानी उसको के थ्री या पी के थ्री बोलेंगे तो थर्ड स्टेप में ये क्या बनेगा सीओ माइनस ये और यहां पे करके ये एन एच एन सी डबल आखिरी वाले सेगमेंट में ये मोनो नेगेटिव है बीच वाले सेगमेंट में ध्यान से देखो तो ये न्यूट्रल है इधर वाले में देखो तो इसपे क्या है डबल पॉजिटिव और माइनस वन मिला के प्लस वन चार्ज है तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन सभी में

तो दिमाग में सेट हो गया सबके कि कौन सा फॉर्म और देखो इसमें नॉर्मल केस में अगर ये रहता तो एक यहां से निकालते एक यहां से निकालते अगर नीचे कुछ और नहीं रहता तो तो सिर्फ उसके लिए डिफाइन होता पीके वन एंड पीके टू लेकिन जैसे ही बेसिक अमीनो एसिड आ जाएगा तो पीके ए थ्री का भी पार्ट आ जाएगा जैसे ही एसिडिक आ गया तो एक और तो कहने का मतलब पीके वन पीके ए टू पी के ए थ्री के बारे में अब देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है अब इसको समझ लो और यहीं पे मैं लेक्चर खत्म कर देता हूं वॉट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऐसा पीएच है जिस पीएच पे ज्विटर आयन एग्जिस्ट करे हंड्रेड परसेंट ज्विटर आयन एग्जिस्ट करे उसी पीएच की वैल्यू को ही हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं और जैसे ही ये बात आ गई वैसे ही बात आ गया बफर का है ना अब आप देखो अगर मैं बोलू ए और बी बेटा फिफ्टी फिफ्टी परसेंट एग्जिस्ट करें ये पचास परसेंट और ये पचास परसेंट तो बताओ पीएच कितना होगा कि ये दोनों पचास पचास परसेंट एग्जिस्ट करें तो बड़ा सिंपल है सर आप पीएच को पी के वन के बराबर कर दोगे जब एट पीएच इज इक्वल टू पी के वन ये वाला तो ये और ये फिफ्टी फिफ्टी परसेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे अरे समझ में आता है अरे बहुत आसान है यार बफर बफर से देखो ना पी ये क्या है ये वीक एसिड है ये इसका कॉन्जुगेट बेस है तो पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड यही फार्मूला होता था ना और अगर ये दोनों 50, 50, 50, ये अगर ये दोनों फिफ्टी फिफ्टी परसेंट हो जाए फिफ्टी एंड फिफ्टी तो ये कट के वन हो जाएगा लॉग वन जीरो हो जाएगा तो पी एच इज इक्वल टू पी के तो मैंने उल्टा बोला है मैंने बोला है कि एट पी एच इज इक्वलो परिफ्टी फिफ्टी परसेंट होंगे बी एन सी ठीक उसी तरीके से बेटा पीके इज इक्वल टू पी के थ्री पे ये दोनों फॉर्म फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होंगे सी एन डी और अगर ज्यादा ना समझ में तो इसको रट जाओ ठीक है क्योंकि इतने से भी काम चल जाएगा एट पी एच इज इक्वल टू पी के उसके पीछे और उसके आगे वाले पचास पचास परसेंट एग्जिस्ट करेंगे तो मैंने बोला लेकिन पॉइंट क्या है तो ऐसा पीएच है जिसपे सिर्फ जुटराइन एग्जिस्ट करे तो जुटराइन पहचानो कहां पे जुटराइन कौन सा था ए बी सी डी में कौन सा था जुटराइन सर सी हाँ तो इसका मतलब हमें दिमाग लगाना है कि C अगर हंड्रेड परसेंट एग्जिस्ट कराना है बेटा तो पीके थ्री का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि तब ये पचास परसेंट होगा और ये पचास परसेंट होगा और पीके टू भी नहीं बोल सकता क्योंकि तब ये पचास परसेंट और ये पचास परसेंट सो बेसिकली सी एग्जिस्ट एट पी एच इज इक्वल टू पीके ए टू प्लस थ्री बाई टू याद है मैंने आपको एम फे के के केस में पी निकालना सिखाया था कि जो प्रोटॉन निकाल भी सके जो हाइड्रोलाइज भी कर सके तो ये एम्फी प्रोटिक के जैसा ही तो है ये प्रोटॉन ले भी सकता है और प्रोटॉन निकाल भी सकता है तो जब ले भी सके निकाल भी सके तो जो निकालने वाला है प्लस जो हाइड्रोलाइज करने वाला है उन्हीं दोनों के पीके का एवरेज तो होता था पीएच ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्फी तो यहां पे याद कर लो जिस जो फॉर्म है उसके एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे का पीके का एवरेज होता है बस वही आई इलेक्ट्रिक पॉइंट याद रहेगा याद रहेगा इतना सा बात yes. अब अगर अगर इतनी सी बात आप याद रखते हो तो फिर अब यहाँ पे कुछ खास बचा है नहीं है ना खत्म हो गया अब ये टॉपिक अब मैं एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर दे रहा हूं और वी आर डन विद जैसे देखो जैसे देखो आर्जिनिन का यहाँ पे देखो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है इसमें इन्होंने पीके दिया है टू पॉइंट वन सेवन नाइन पॉइंट जीरो फोर एंड ट्वेल्व पॉइंट फोर एट पीके दिया है ना टू पॉइंट वन सेवन नाइन पॉइंट जीरो फोर एंड ट्वेल्व पॉइंट फोर एट ये तीन पीके दिए हुए तो सबसे पहले जो निकल रहा है आपको समझ में आ रहा होगा यही निकल रहा है दूसरा निकल रहा है आपको यह भी समझ में आ रहा होगा और तीसरा सबसे आखिरी में निकल लेगा तो आपको मालूम है कि जुटराइन कौन सा है एक मिनट देख लो बेटा जुटराइन कौन सा था एक मिनट आर्जिनिन का तो एक सेकेंड ये आर्जिनिन का डिस्कशन इसको डिलीट कर दे रहा हूँ ना ठीक है हाँ किसी नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड के के केस में देखो आ, ये पीके वन था और ये एक मिनट ये के वन है ये पीके टू एनी वे सो इसमें वही दिखाने की कोशिश करिए कि आईस्यू इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है पीके वन प्लस पीके टू, टू क्योंकि इसमें तो तीन फॉर्म थे भी नहीं इसमें सिर्फ दो ही थे पीके वन पे ये दोनों फिफ्टी फिफ्टी पीके टू पर ये दोनों फिफ्टी फिफ्टी और इन दोनों के एवरेज पे ये फॉर्म और यही जुट रहा है ना तो टेंशन ज्यादातर इन सब चीजों में होती है देखो इसका भी मैंने यहाँ पे सिखाया है पहला फॉर्म कौन सा निकला इसमें से ये निकला है ना अभी भी ये जुटर नहीं है अब ये करोगे तो अब ये ज्विटर बन गया ज्विटर हो गया ना तो ये और ये इन दोनों का एवरेज जब आप करोगे एक सेकंड बेटा यही जुटर है ना देखो यस इज जुट है तो बेसिकली आप अगर इन दोनों का एवरेज करोगे तो पीके टू प्लस पीके थ्री बाई टू करोगे तब ये जाकर के आने वाला है. तो मैं इसको मिटा नहीं तो कंफ्यूज हो गए तुम लोग ठीक है सो पी के ए वन पी के थ्री आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज इक्वल टू पी के उसी तरीके से स्पार्टिक एसिड का एक केस डिस्कशन है जहां पे एक्स्ट्रा सीओ बचा जाता है तो पहला वाला कौन सा निकल के जाएगा आराम से तो सबसे पहले तो यार यही वाला निकल के आएगा क्यों क्योंकि यहाँ एन एस थ्री प्लस माइनस आई से खींच रहा है दूसरा कौन सा निकलेगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला और तीसरा उसके बाद जा करके आपका यहाँ पे निकल जाएगा अगर मुझे इसको पूरा बनाना हो या आखिरी एग्जाम्पल इसको देख लो फिर खत्म है तो ये क्या बन गया ये एन एच टू हो गया और यहां पर सीओओ माइनस यहां एच यहां सी एच टू और यहां सीओ माइनस नाउ विच ऑफ दीज इज इजरा जुटराइन कौन सा है बोलो सेकंड ये वाला है जुटराइन तो अब ये जुटरैन है तो यहां का आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज इक्वल टू इसके पहले और इसके बाद वाले का एवरेज पी के ए वन प्लस पीके टू बाई टू तो यार देखो बड़ा सिंपल सा पता है जब बेसिक वाले आ जाते हैं ना तो उसमें के टू अब प्लस के थ्री यानी पी पी ऑफ दैट इसका एवरेज होता है और अगर बेसिक ना हो एसिडिक हो या न्यूट्रल हो तो दोनों में सिर्फ फर्स्ट टू का ही होता है तो ज्यादातर केसेस में तुम्हारा यही फॉर्मूला लग जाएगा पीके वन प्लस पीके पीके वन पीके टू समझना बात को ना कि पहले कौन सा एच प्लस निकलेगा उसको ध्यान में रखते हुए कई बार वो पीके भी करके घुमा देता है क्वेश्चन को तो अगर आप ये बात समझ गए हो तो प्यारे बच्चों फिर ये खत्म होता है टॉपिक यहीं पे आइसो इलेक्ट्रिक और इन सब से रिलेटेड चीजें खत्म हो गई हम्म अब, अब लास्ट बात करते हैं कि भाई प्रोटीन है ना प्रोटीन का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं आखिर प्रोटीन बनता कैसे है जैसे मैंने बोला हमने उल्टा करके देखा हमने प्रोटीन को हाइड्रोलाइज किया था अब प्रोटीन को वापस सिंथेसाइज करना हो तो कैसे बनता है तो बहुत आसान है आप देखो प्रोटीन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और प्रोटीन में एनएच भी है और आपको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड एन एनएच टू जब गर्म करते हैं पहले तो सॉल्ट बनाते हैं और बाद में जब गर्म करते हैं तो ये सीओ एन एच बॉन्ड बन जाता है यानी अमाइड इसी अमाइड के बॉन्ड को प्रोटीन के केस में पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं कौन सा बॉन्ड बोलते हैं पेप्टाइड याद रहना चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड ये पेप्टाइड बॉन्ड कुछ और नहीं अमाइड ही होता है इसका लोन पेयर इसके साथ डीलोकलाइज है तो ये प्लेनर है मतलब बेसिकली है ना तो पेप्टाइड बॉन्ड और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमेशा होता है कि पहले वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है सॉरी पहला वाला जो एमिनो एसिड है उसका NH2 टू एंड फ्री रहेगा और आखिरी वाले का COOH एच एंड फ्री रहेगा ऐसे करके रखना होता है क्योंकि देखो ना एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड में सीओ एच भी है NH2 टू भी है अगर आप सीओ एच का दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के एन एच टू से रिएक्शन कराते हो तो इसका फ्री कौन सा एंड हो गया एनएच टू अगर इसका NH2 टू आपने कराया तो इसका फ्री कौन सा हो गया सीओ तो कोई ना कोई तो एक फ्री होगा किनारे वालों का तो किनारे वालों को ऐसे लिखा जाता है सच दैट कि लेफ्ट वाले साइड का एनएच टू फ्री हो ताकि वो एल अमीनो एसिड का सीक्वेंस मेंटेन रहे लेफ्ट साइड में NH2 टू फ्री हो और एकदम राइट right वाले साइड का सीओ एच फ्री तो आप देखो ये आ, ये दो अमीनो एसिड जो आपस में ज्वाइन होकर के ये कंपाउंड बना है है ना इसको बोलते हैं कि पेप्टाइड और ये कौन सा पेप्टाइड बोलते हैं बेटा डाइपेप्टाइड ध्यान से देखो अगर आर वन आर टू अगर इज एच एंड आर टू इज सी एच थ्री अगर ऐसा हो गया तो इस डाई पेप्टाइड का नाम क्या हो जाएगा ग्लाई एला ग्लाई का मतलब पहला वाला और एला का मतलब दूसरा वाला फर्स्ट वाला जो अमीनो एसिड है उसका लेफ्ट साइड में एनएच टू फ्री होगा एला का कौन सा फ्री होगा सीओ एच फ्री होगा ये बात का ध्यान रखना तो ये डाइपेप्टाइड, ऐसे ट्राइपेप्टाइड का मतलब क्या है तीन तीन अमीनो एसिड आपस में आके ज्वाइन करेगा अगेन यही बॉन्ड बनेगा उनके बीच में है ना ध्यान से देखो ग्लाई एला एंड एला ग्लाई आर नॉट सेम क्योंकि ग्लाई एला जब लिखते हो तो इसका सी एन एच टू फ्री है और जब एला ग्लाई लिखते हो तो इसका एनएच टू फ्री है इसका सीओ एच फ्री है ये दोनों अलग अलग डाइपेप्टाइड हैं ठीक है तो जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइपेप्टाइड रिप्रेजेंटेड बाय ग्लाई एला ग्लाई तो देखो मैंने ग्लाइसिन ले लिया है पहले वाले का और एन टू लेफ्ट में कर रखा है फिर एलानिन का मैं हमेशा ऐसे ही दिखाऊंगा कि एनएच2 इस साइड्स यूएच इस साइड लास्ट में सीओ बच गया है ग्लाइसिन का अब इनसे वही वाटर 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 निकाल करके ये बन गया दिस इज द ट्राइपेप्टाइड रिप्रेजेंटिंग ग्लाइ एला ग्लाइ ठीक है अब अब देखो उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस है प्रोटीन का मतलब प्रोटीन को अगर पूरे तरीके से देखा जाए स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना

ये हेलिकल फॉर्म में भी हो सकती है या फिर नॉर्मल फॉर्म में एक दूसरे से जुड़े हुए जिसको बोलते हैं हेलिकल फॉर्म एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर अब इसको पढ़ लेना एक बारी ना टर्शरी क्या होता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे जब हमारे पास चेन्स आ जाते हैं तो ओवरऑल वो कैसे फोल्डेड है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है और उसके बाद कई बार होता है कुछ अमीनो एसिड में कई तरह के अ अलग अलग आपके चेन्स का होता है, सो so, ओवरऑल जो उनके डिफरेंट-डिफरेंट का जो फोल्डिंग है उनको एज अ होल जब देखा जा रहा है तो वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर तो देर आर फोर स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड वेन इट कम्स टू प्रोटीन तो पहला तो उनके सीक्वेंस का जिसको प्राइमरी बोलते हैं सेकेंडरी एक चेन का Uh, आपस में वो कर्ल uh, फॉर्म में है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर शीट लाइक स्ट्रक्चर में है इनको ध्यान देते हुए ये सेकेंडरी है टर्शरी है कि ऐसे मल्टीपल चेन जब आ जाए तो ओवरऑल कैसे वो फोल्ड हुए हैं और क्वार्टनरी में कई बार होता है कि कई तरह के चेन फॉर्म आपस में आकर के एक प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और ओवरऑल फॉर्म ऑफ दैट इज नोन एज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर तो एक बार आप रीडिंग लगा लेना और इसी के साथ बच्चों प्रोटीन्स इज कंप्लीटली ओवर सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे अगली क्लास में हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में सीखेंगे